चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है और एक महत्वपूर्ण छोटे से प्रेडिक्शन में। इस समय दोस्तों 2:38 हो रहे हैं, आज 2 मई है, और मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा की, उसके बारे में कई लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर इसके बारे में जरा प्रेडिक्ट करके बताइए। तो न्यू दिल्ली में आपको पता ही है हमारे देश की राजधानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट इसे माना जाता है। न्यू दिल्ली को प्रतिष्ठित सीट है, वीआईपी सीट कह सकते हो आप। इस पर जो इस समय कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं 2019 लोकसभा के लिए, उसमें जानी मानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की मीनाक्षी लेखी, ये मीनाक्षी लेखी जी बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे कैंडिडेट जो हैं ये भी बहुत जाने माने कैंडिडेट हैं, अजय माकन जी, अपना नाम सुना होगा, ये कांग्रेस से हैं। इनका बहुत अच्छा इस दिल्ली में खासकर कांग्रेस के लिए बहुत काम किया इन्होंने, तो इनका भी कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा नेतृत्व माना जाता है। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं जो आप से हैं, केजरीवाल जी की पार्टी से, उनका नाम है ब्रजेश गोयल जी। तो ब्रजेश गोयल का जो बैकग्राउंड है वहाँ पे, वो सोशल वर्कर के रूप में है, अच्छा उनको माना जाता है, काफ़ी मिलनसार माना जाता है, जो इनका पर्सनल वहाँ पे वाई डाटा है। तो इस तरह से 3 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। सिटिंग कैंडिडेट यहाँ पर सिटिंग जो पीएम हैं वो मीनाक्षी लेखी जी हैं, बता चुका हूँ मैं आपको अभी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो इस तरह से 3 कैंडिडेट्स हो गए, मीनाक्षी लेखी फ्रॉम बीजेपी, अजय माकन फ्रॉम कांग्रेस एंड ब्रजेश गोयल फ्रॉम आप। अब इनका जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, इनका जो कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आज कह सकता हूँ यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी जी चुनाव जीत रही हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मीनाक्षी लेखी जी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। इस तरह से मेरा जो ये प्रेडिक्शन है, एक शॉर्ट प्रेडिक्शन था। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल प्लीज नहीं किया है सब्सक्राइब करिए इसको, और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों 23 मई को पता चलेगा कि हमारी जो ये प्रेडिक्शंस हैं वो कितने परसेंट सही निकलती हैं। अभी तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते हो। लेट 23 में कम, उसके बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको और दिल्ली के बारे में ही देने वाला हूँ, अगली सीट के बारे में। तब तक के लिए वेट करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।